नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसबीर सिंह के निर्देश पर जिले भर की पुलिस हुई सक्रिय। रास्ते में गश्त किया, कोच प्रभारी निरीक्षक इमरान खान को एक सफलता मिली। खेड़ा चौकी प्रभारी सफीक अहमद पुलिस बल के साथ रात में गश्त कर रहे थे, तभी कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर से चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में तीन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों अभियुक्त झाड़ियों में बैठकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके पास से दो अवैध तमंचा, 315 बोर, चार जिंदा कारतूस, एक छुरी तथा एक आला नकजनी का सामान बरामद हुआ है। अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। रात्रि में गश्त के दौरान भगत सिंह नगर के पीछे जो झाड़ियां, वहां से तीन लोगों को पकड़ा गया है। इन तीनों लोगों को जब संदेह की स्थिति जो पकड़ा गया और पूछताछ की गई, इनके ऊपर पहले से अभियोग पंजीकृत है। थाना कैलिया में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में इकबाल नट बांचे चल रहा था और ये तीनों लोग चोरी की तैयारी में थे। इनके पास अवैध असलहे और पेशकश और सरिया और रोडें, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। ये सब लोग चोरी के प्रयास में आए हुए थे, लेकिन चोरी की घटना करने से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले बीते दिनों जो है चोरियाँ हुई हैं, उनमें कोई रिकवरी की है? पिछले जो बीते हुए थे चोरियाँ हुई, तो उनमें इनकी संलिप्तता नहीं थी, ये नई चोरी के प्रयास में थे। पिछली जो चोरियाँ हुई थी उनके लिए प्रयास जारी है, शीघ्र ही उन घटनाओं का भी सफल अनावरण किया जाएगा।